मंथ के लास्ट में रिलीज होगा भेड़िया फिल्म का टीजर। वरुण और कृति डराते हुए आएंगे नजर। कोरोना के बाद से कई फिल्में स्टार्स की रिलीज हुई, लेकिन वो सभी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन सभी को अभी भी आने वाली फिल्मों से उम्मीदें हैं। इन फिल्मों की उम्मीदों में वरुण धवन स्टारर फिल्म भेड़िया भी शामिल है। भेड़िया मूवी वरुण धवन एंड कृति सैनन स्टारर फिल्म है। वरुण धवन की जुग जुग जियो के बाद अगर कोई फिल्म रिलीज होने वाली है तो वो है भेड़िया। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है तब से फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो फैंस की एक्साइटमेंट को और ना बढ़ाते हुए बता दे कि अब जल्दी भेड़िया फिल्म से एक टीज़र रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, खबर है कि इस मंथ के एंड में फिल्म का टीज़र रिलीज़ किया जाएगा। इस टीज़र से वरुण और कृति लोगों को डराते हुए नजर आएंगे। और जानकारी दे दे तो फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक है। दिनेश विजान ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। आपको बता दें कि वरुण धवन के फैंस और हॉरर कॉमेडी मूवी देखने के शौकीन के लिए ये खबर बेहद खास होने वाली है, क्योंकि बता दें कि वरुण और पूरी टीम ने भेड़िया फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट कर दिया है और अब जल्दी इसके पोस्ट प्रोडक्शन वर्क पर भी काम शुरू होगा। जैसा कि हमने बताया कि वरुण धवन इस समय उनकी फिल्म जुग जुग जियो के लिए चर्चा में बने हैं, जो कि 22 जून को रिलीज़ हुई थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि मेकर्स इस बार भेड़िया फिल्म से कुछ अलग और बड़ा करने के मूड में है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि फैंस को इस फिल्म के द्वारा कुछ नया और अनोखा देखने को मिले, जिसके लिए वो हॉलीवुड लेवल के VFX को भी यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही कम फिल्मों में हॉलीवुड लेवल का VFX यूज़ किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि फिल्म कितनी दमदार और हिट होने वाली है। आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास के घने जंगलों में की गई है, ताकि सब रियल और नेचुरल हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भेड़िए में 70% से अधिक कलाकार अरुणाचल प्रदेश के हैं। इसके अलावा अरुणाचल के रैपर K4 खेको भी फिल्म में दिखाई देंगे। उन्होंने फिल्म के थीम सॉन्ग के बोल भी गाए और लिखे हैं। अब बात करें फिल्म की रिलीज़ की, तो फिल्म 22 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।